हाय फ्रेंड, वेलकम टू पोटेड फिजिक्स। आप देख रहे हैं आपका जो चैनल, अच्छा चैनल, सबसे अच्छा, जो सही तरीका से आप सीखेंगे एचपी प्रिंटर का जो टेफ्लन है अंदर में, उसे कैसे चेंज करेंगे आज सीखेंगे। उसे चेंज करने के लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। सारे वीडियो आप देखेंगे, कंप्लीट देखना, क्योंकि कुछ भी स्किप करेंगे तो आपको सही समझ नहीं आएंगे, इसलिए आपको सारे वीडियो देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमेशा आपके लिए सही वीडियो, यानी जिस तरह आप कर सकते हैं, जिस तरह आपको इसे असेंबल कर सकते हैं, डिसेंबल कर सकते हैं, एचपी का कुछ भी प्रॉब्लम हो आप इसे देख सकते हैं इस चैनल में। देखिए, अभी हम ट्राई करेंगे जो क्या प्रॉब्लम है हमारा जो प्रिंटर है अभी एचपी का, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जानने के बाद ही हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका प्रिंटर में कौन सा प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं। इधर हम अभी स्टार्ट करेंगे आपका एचपी प्रिंटर में। स्टार्ट करने के बाद हम ट्राई करेंगे प्रिंटिंग करने के लिए। प्रिंटिंग जो करेंगे, कॉपी करेंगे स्टार्ट कॉपी में, उसे कॉपी करने में जो दिक्कत आएगी, जो प्रॉब्लम आएगी, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए आपको देखना है क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक कॉपी लेने के लिए। कॉपी जब भी लगेंगे तो हमारा जो प्रिंटिंग स्टार्टिंग होगा, स्टार्टिंग होने के बाद जो प्रिंटिंग आएगा, इस पेपर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, राइट साइड में इधर एक पेपर में थोड़ा थोड़ा दाग आ रहा, दाग मानी पेपर में कुछ कुछ आ गया, इसे हम देख सकते हैं। अभी तो फर्स्ट, मैंने पहली बार इसे प्रिंटिंग कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सही आ रहा है। दोबारा दो बार जब ट्राई करेंगे, प्रिंटिंग का क्वालिटी और पेपर जाम हो जाएगा, क्योंकि अंदर में टेफ्लन जल गए हैं, टेफ्लन खराब हो गया है। और टेफ्लन खराब होने के बाद उससे प्रिंटिंग नहीं आ रहे, पेपर लग रहे, पेपर अंदर ही जाम हो रहा है। जो कैटरेज में सही तरह चला आ रहा है, मगर जो टेफ्लन के साइड है उधर हमारा पेपर जाम हो रहा है, इसलिए हमको इसे सॉल्व करना है। कुछ भी प्रिंटिंग प्रॉब्लम हो रहा है तो टेफ्लन साइड में अंदर में आप कैसे अपने खुद टेफ्लन को चेंज कर सकते हैं, ये वीडियो में आप जानेंगे। इसलिए आपको बोल रहे, सारे वीडियो को आप देखिए, ध्यान से देखिए, सही तरह देखिए, क्योंकि कुछ भी आप स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं। ऐसे देखिए, अभी पेपर जाम हो गया, अंदर से हमारा पेपर जाम हो गया, क्योंकि हमारा अंदर में टेफ्लन खराब है, टेफ्लन थोड़ा जल गया है, एक साइड में नहीं है, खराब है। आप लास्ट में देखेंगे किस तरह खराब है। अभी हम पेपर को निकालेंगे, क्योंकि निकालने के लिए आप देखेंगे किस तरह टूट गया है हमारा पेपर, आप देख सकते हैं। अभी हम प्रिंटिंग ये खींचेगे तो नहीं खींचेगे, इसे स्लोली आप आपका जो प्रिंटिंग साइड है उसे उठाकर आप खींचना है, क्योंकि दोनों साइड में खींचेगा, इसे चीर सकते हैं इसे। अभी देखिए, ये जो आ गया पेपर, ये पेपर में अपना कल जो चीर गया। अभी हमको जरूर है एक स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर आप इसी तरह स्क्रू ड्राइवर होगा तो किसी भी स्क्रू ड्राइवर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो स्क्रू ड्राइवर आपका जो स्क्रू है सेम ही, सारे स्क्रू सेम है, आप कुछ भी स्क्रू आपको स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं, जिससे आप फिट हो सकते हैं, जिस तरह आप लग कर सकते हैं। इसलिए पहले फर्स्ट आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर साइड में है जहाँ पर पेपर रखते हैं, इसे आप निकाल देंगे, इसे निकाल के साइड कर देंगे। निकालने के बाद हमारा दोनों साइड में, ये देख सकते हैं, दोनों साइड में हमको एक स्क्रू है, पीछे में एचपी प्रिंट में स्क्रू है, इस स्क्रू को हमको खोलना है। स्क्रू खोलने के बाद दोनों साइड में जो प्लास्टिक है इसे खोलेंगे। प्लास्टिक खोलने के लिए आपको सावधानी दर्जती, क्योंकि यहाँ पर एक लॉक होगा, हमेशा कुछ भी प्लास्टिक लगा है तो लॉक होगा। इस लॉक को आपको खोलने के लिए सावधानी से उसे दबाकर खोलना है, क्योंकि ज़्यादा भी गड़बड़ी होगा तो आपका प्लास्टिक टूट सकता है। उससे पहले ये सारे को निकाल देंगे, क्योंकि ये भी आप हमारा प्रिंटिंग खोलने में दिक्कत होगा। ये दोनों साइड में आप हाथ दबाकर, आप स्क्रू दबाकर, आप स्क्रू ड्राइवर से आप निकाल सकते हैं। इसे हम निकाल देंगे, इसे साइड रख देंगे, क्योंकि हमारा सारे काम ये दबाएंगे तो टूट सकते हैं हमारा जो पेपर ट्रे है। अभी नीचे देखिए, इधर एक लग है, इसी लग को आप खोलना है हाथ में दबाकर और स्क्रू में, स्क्रू ड्राइवर में दबाकर आप खोलना है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती खींचेंगे तो आपका जो लग है, प्लास्टिक का लग टूट सकता है। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है, जो भी प्लास्टिक लगा है उसे आप देखेंगे कहाँ पर लग है और किस तरह लग है, सही तरह देखना, कुछ भी आप गड़बड़ी करेंगे टूट सकते हैं। सावधान से हमारा वीडियो देखिए, क्योंकि जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी में आप जो भी गलती आप कर सकते हैं, इसे सब कुछ आपको सॉल्व कर दिया है, कहाँ पर आपका गलती हो सकता है, आप टूट सकते हैं, ये सारे कर दिया है।
आप हमेशा एक फ़ोटो लेना, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप इसे वापस असेंबली पर वापस लगेंगे तो आप सही तरह लग सकते हैं। इसलिए आप सारे साइड में एक फ़ोटो लेना, जब भी खोलेंगे एक पेज साइड उसे फिर फ़ोटो ले लेना। फ़ोटो से आप हेल्प करेंगे जब भी आप दोबारा आपसे लगेंगे। यहाँ पर एक लक है राइट साइड में, इसे भी आप खोलेंगे इस तरह। मैं खोल रहा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे भी करेंगे। हमको भी बहुत टाइम लगा था, वीडियो में आप आधा घंटा इसे लगेंगे, किंतु एक्चुअल टाइम में आप पहली बार खोलेंगे तो आपको एक घंटा लग सकते हैं। उससे बाद आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सही तरह खोल देंगे। अभी ये खोल गया, दूसरा साइड भी हम खोल देंगे। इसी तरह आप सही तरह खोलेंगे। यहाँ पर भी एक प्लास्टिक का लॉक होगा, इसे आप देखिए राइट साइड में। अब सामने साइड में एक लॉक होगा, इसे भी आप देखना, क्योंकि इसे टूट सकता है। सब कुछ लॉक में है, स्क्रू ज़्यादा नहीं है, मगर स्क्रू को आप हमेशा काउंट करके रखना जहाँ पर रखेंगे, क्योंकि कुछ भी खो गया तो उसे फिर स्क्रू लाने की प्रॉब्लम होगा, लूज नहीं रख सकते। ये भी आप फोटो ले सकते हैं। ये भी सामने वाला देखिए, इस साइड में कहाँ पर किस वायर में लगा है, इसे भी आप फोटो लेने की तो आपका अच्छा होगा, क्योंकि दोबारा जब लगेंगे आपको हेल्प करेंगे। इसके बाद जो स्कैनर यूनिट है, हम स्कैनर यूनिट को निकालेंगे। स्कैनर यूनिट निकालने के लिए आपको इसे आप ऊपर उठाना है, इसे दबाकर आपको ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के बाद अंदर देखिए, दोनों साइड में एक तरह हाथ जैसा एक लॉक होगा, राइट और लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। मैं हाथ लगा रहा हूँ, इसी लॉक को आपको खोलना है। यहाँ पर कुछ भी स्क्रू नहीं है, मगर एक लॉक है, प्लास्टिक का लॉक है। इसी प्लास्टिक लॉक जहाँ पर मैं हाथ लगा रहा हूँ वहाँ पर एक लॉक है, मैं थोड़ा साइड करके दिखा दूँगा। देखिए इसी तरह यहाँ पर एक लॉक है। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमेशा हम आपके लिए अच्छा वीडियो लाते हैं। देखिए ये एक लॉक है, देखिए हम एक स्क्रू ड्राइवर में लगा देते हैं। ये देखिए इधर एक प्लास्टिक है जो स्कैनर साइड में, और नीचे साइड में जो लॉक है इधर एक लॉक, इसी लॉक को आप दबा कर सही तरह दबाना, क्योंकि थोड़ा भी गड़बड़ी होगा ये लॉक टूट जाएगा तो आपको फिर से वापस नहीं मिलेगी। इसे पूरा स्कैनर यूनिट चेंज करना, कि देखिए स्कैनर पर लगा है ना, फिट है, इसलिए आपको इसे सही तरह हाथ में, दोनों हाथ में ट्राई करेंगे। मैं एक हाथ में आप दिखा रहा हूँ, एक हाथ में कैमरा है इसलिए दिखा रहा हूँ। आप इसे दोनों हाथ में ट्राई करके सही तरह, ज़्यादा भी फोर्स नहीं लगाना, स्लोली आप फोर्स लगाना, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ी होता है उससे तोड़ सकता है। राइट साइड में इसी तरह भी आप लॉक है का, मैं आप थ्रू निकाल कर आप देखा देता हूँ किस तरह आप निकालेंगे। देखिए हम दोनों हाथ में ट्राई करो, थोड़ा भी इसे जो स्क्रू है ऊपर में स्क्रू ट्राई करो स्क्रू ड्राइवर, और नीचे से उसे खींच रहा हूँ। देखिए आ गया, अभी हमारा ये थोड़ा उठाकर साइड में कर आपके साइड में उसे निकालेंगे। ऊपर ये ऊपर वाला जी इधर देखिए, ये पिन भी और साइड हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, जो कैटरीज का अंदर जो कैटरीज बॉक्स है इसे भी खोल सकते हैं। देखना किस तरह आप निकालेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम आप देखिए, वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करके फिर से वापस देखिए, आप कुछ कर सकते हैं। अब घर में आपको टेफ्लॉन 150 रुपये में मिल जाएंगे, टेफ्लॉन खरीद लेंगे बाज़ार से, किंतु सही अच्छा टेफ्लॉन खरीदना, क्योंकि टेफ्लॉन ओरिजिनल टेफ्लॉन सबसे अच्छा आता है। उसके बाद जो टेफ्लॉन आता है ज़्यादा दिन नहीं चलता है। मेरा टेफ्लॉन पूरा नया, जो नया टेफ्लॉन नहीं है, ये जो मैंने ख़रीदा था बाज़ार से, इसलिए मेरा टेफ्लॉन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया लगता है। हम अंदर देखेंगे टेफ्लॉन क्या प्रॉब्लम है। टेफ्लॉन यानी फ्यूज रोलर जो रहता है, जहाँ पर हीट होता है, जहाँ पर प्रिंटिंग होता है, आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, आप लास्ट में देखेंगे तो किस तरह। इसके बाद जो स्कैनर यूनिट निकालने के लिए आपको जो वायर लगा है, इसी वायर को आपको निकालना है। सही तरह वायर लेकर निकालेंगे, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ी होगा। यहाँ पर एक जो वायर है बहुत सॉफ्ट है, उधर एक लग तरह लगा है वायर को, इसे आप निकालेंगे दोनों हाथ से सही तरह खींचेंगे, क्योंकि ये टूट सकता है, इसे सावधान से निकालेंगे। मेरा भी इसे टूट गया है, मैं इसे फिर से वापस लगाऊंगा सही तरह एडजस्ट करके। ये एक लक है प्लास्टिक, इसे आप बाहर खींचा कर सही तरह उसे निकालेंगे। अभी मैं वायर निकाल रहा हूँ, वायर निकालने के बाद ही हम उसके बाद ही हमारा जो प्लास्टिक दिखे, ये प्लास्टिक है, इसे हम साइड करके निकाल देंगे। ये प्लास्टिक खोल गया, इसे वायर भी नीचे खोल गया। वायर खोलने के बाद जो स्कैनर का वायर, इससे इधर एक स्क्रू है, इसी स्क्रू को, क्योंकि स्क्रू है वायर को सही तरह लगा कर प्रॉब्लम होगा जब भी हम स्कैनर को ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसलिए स्क्रू वायर को सही तरह छिपा कर रखता है। देखिए दोनों वायर हम निकाल दिए, इधर एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट इसे लगाना वापस इसी तरह।
ये ब्लैक वाला वायर व्हाइट वाला वायर दोनों वायर को निकालेंगे। आप सही तरह निकाल के कुछ भी गड़बड़ नहीं करना, सावधान से हमेशा सावधानी बरती है, क्योंकि सावधान नहीं होगा तो आपका सारे स्कैनर का ख़राब हो जाएगा, जो भी ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, इसलिए आप कुछ भी टूट जाए तो पूरा मशीन नहीं चलेंगे। अभी हमको ये जो प्लेट है, सामने वाला प्लेट, इसे हम निकालेंगे। देख सकते हैं, इसे भी आप फोटो ले सकते हैं, हमेशा एक फ़ोटो लेना, इस फोटो को वापस जब भी लगेंगे उसे यूज़ करना, नहीं तो आपको ये वीडियो फिर से देखना और किस तरह हम खोलते हैं, किस तरह हम कहाँ पर किस चीज़ को लगते हैं, इसे फिर से देख के फिर लगाना। मैं खोलना देख दूँगा, असेंबल करना और डिसेंबल करना दोनों तरफ का देख दूँगा। आप ज़्यादा आपको डिसेंबल करूँगा, उसके बाद असेंबल जो टेफ्लन को असेंबल करूँगा हम, इसे खोलेंगे। ये जो प्लास्टिक लगा है इसे हम निकालने के लिए हमको थोड़ा, इसे प्लास्टिक लगा लॉक है, इसी लॉक को हमको साइड करके खुलाना। यहाँ पर कुछ भी स्क्रू नहीं है, सिर्फ लॉक है, इसी लॉक को हम खोल देंगे। हो गया, अभी मैक्सिमम चीज़ हम निकाल दिया। उसके बाद सामने वाला जो प्लास्टिक है इसी प्लास्टिक को हम निकालना है। इसे निकालने के लिए उसे इधर एक लॉक होगा, यहाँ पर कुछ भी स्क्रू नहीं थी, यहाँ पर भी लॉक, नीचे भी लॉक होगा, ऊपर एक लॉक होगा, इसी लॉक को हम खोलेंगे। इसके बाद जो प्लास्टिक हुआ, ये प्लास्टिक इधर, इसे हम निकालेंगे। इसे निकालने के लिए दोनों साइड में हमको सामने वाला और पीछे वाला का जो बॉडी है इसे हम निकालेंगे, स्टील का बॉडी, जो मेटल बॉडी जो है इसे हम निकालेंगे। देखिए अभी हम इधर नीचे एक लॉक है, देख सकते हैं मैं जहाँ पर हाथ लगाऊँ यहाँ पर एक लॉक होगा। आप भी देखेंगे इसी तरह, यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं खींचेंगे, हमेशा लॉक को याद करना। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लॉक टूट जाएगा तो आप इसे फिर से वापस नहीं लग सकते, स्क्रू होगा तो अच्छा होगा, स्क्रू नहीं है ना, इसलिए आपको इस तरह इसे नीचे दबा कर खोलना है। इसे थोड़ा दिक्कत हो सकता है इसलिए आप सावधान से इसे खोलेंगे। देखिए अभी नीचे ऊपर एक इसका लॉक है, ये भी आप खोलेंगे, ये जो प्लास्टिक है टूट जाएगा इसलिए आप सावधान से इसे निकालेंगे। हो गया, अभी हम इसे साइड कर देंगे। साइड करने के बाद वापस हम पीछे से एक स्क्रू हो, ये प्लास्टिक आ गया, इसी प्लास्टिक को निकालने के लिए पीछे से एक जो मेटल तरीका से मेटल बॉडी है इसे हम निकालेंगे। इधर स्क्रू, एक स्क्रू खोला था, नीचे और एक स्क्रू रह गया, तीन स्क्रू है, आप देख सकते हैं तीनों स्क्रू है। हम एक स्क्रू खोल, दोनों स्क्रू किया था और एक स्क्रू रह गया था, और ये ऊपर वाला प्लास्टिक का खोल देंगे, पहले से ही खोल देंगे। सावधान से स्क्रू को संभाल कर रखना। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम इसे स्क्रू को खोलेंगे, दोनों साइड में स्क्रू, ये चार पांच स्क्रू होगा, चार पांच स्क्रू देखना है आप कहाँ पर लगा। ये देखिए को नहीं खुला, अभी पीछे भी और एक है, जब जो खोल रहा था हम, इसे हम खोलेंगे। घुमा देते हैं क्योंकि सामने साइड पे हम देखना है। ये देखिए और एक स्क्रू है, इधर एक स्क्रू रह गया, इसे भी हम खोल देंगे, क्योंकि ये निकाल नहीं गए तो प्लास्टिक नहीं निकले, प्लास्टिक का जो प्लास्टिक ऊपर है उससे हम निकालने के बाद ही टेफ्लन साइड आ गया। ये हम पीछे से खोल देते हैं, इसे भी हम खोल कर रख देते, ये खोल गया। इधर एक प्लेट होगा, जो प्लेट बॉडी को साइड पर रखता है, देखते और एक स्क्रू है, इसे भी हम स्क्रू ड्राइवर से खोल देंगे। नीचे गिर गया एक प्लेट है, इस प्लास्टिक को हम साइड करेंगे। हो गया, ये प्लेट जो था इधर लगता है, वापस जब भी लगेंगे ये प्लेट को याद करना है, ये प्लेट को सही तरह लगना है। अभी देखिए ये है आपका टेफ्लन साइड, इसी टेफ्लन साइड को आपको खोलना है। देख सकते हैं आप ध्यान से देखेंगे कहाँ पर कौन सा वायर किस तरह गया है, क्योंकि वायर आपको सही तरह लगना है, वापस जब भी लगना है उसे भी फटा खींच कर रख सकते हैं। वायर जब भी लगेंगे, क्योंकि वापस जिस तरह वायर है उसी तरह आपको लगना है, इसलिए आप कहाँ पर कौन सा वायर गया है उसे आप देखना। अंदर साइड में ये देखिए, इस साइड में आपका बॉडी है, सब मैं सही तरह आप बुला कर देखता हूँ, घुमा कर आप देख देता हूँ। यह है आपका टेफ्लन हीटर, जो इंदर अंदर एक हीटर है, ये अंदर देखिए अभी एक जो ग्रे कलर का है, इसे एक रोलर है, ये जो प्रेशर रोलर है,
और टेफ्लॉन रोलर भी होगा, प्रेशर रोलर, दोनों साइड दोनों में छिपा कर लगा है। इस छिपा कर जो लगा है इंदर ही पेपर जाके प्रिंटिंग हो रहा है। मैं देख दूंगा कि प्रिंटिंग का प्रॉब्लम भी होगा किस तरह। हम इसी वायर को खोलेंगे। पहले ये वायर को एक फोटो लेना, क्योंकि कहाँ पर कौन सा लगा है उसे ध्यान देखना, ध्यान से देख कर खोलना। और खोलने के लिए यहाँ पर देखिए मैं एक व्हाइट वाला खोल रहा हूँ, इधर एक लॉक तरह होगा, लॉक को दबा कर आप खोलना। देख सकते हैं ये लॉक, जो लॉक है इसी लॉक को आपको दबा कर खोलना है, साथ में बड़ा वाला है। आप कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रिंटर है आपका जो लॉक है कहाँ पर कौन सा लॉक ब्लैक है व्हाइट है इस तरह आप कलर दिया है। कलर देने के साथ ही आपका साइज़ भी कुछ डिफरेंट है, जिस साइज में जिस तरह फिट होगा, इसलिए आप कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा लगता है। जब भी फिर भी आप एक फ़ोटो ले लेना, क्योंकि दोबारा आप लगना है तो वैसे आप सही तरह लग सकता है। देखिए ये भी खोल गया, ज़्यादा ज़ोर से नहीं ये करना खींचना है, क्योंकि टूट सकता है ये तार, तार टूट जाएगा तो फिर से वही वायर नहीं पाए, इसलिए आप सावधान से इसे खोलेंगे। देख सकते हैं ये कहाँ पर जाके कहाँ से एडजस्ट हुआ है ये सारे वायर, तो इसी तरह वापस इसे वायर लगाएंगे। वापस लगने के लिए फिर से वीडियो को सही तरह आप स्टेप स्टेप देखेंगे, पीछे से आप देखेंगे तो हो सकता है। देखिए मैं इधर जूम करके देख रहा हूँ, ये लॉक इधर लगेगा, ब्लैक वाला ब्लैक, बड़ा ब्लैक बड़ा ब्लैक वाला लगेगा, व्हाइट व्हाइट लगेंगे, इस तरह आप लगा सकते हैं। देख सकते हैं ये साइड करता हूँ, ये देखिए ये जो ब्लैक है बड़ा वाला, इधर आप ये जो ब्लैक बड़ा इधर आप लगेंगे, और व्हाइट जो व्हाइट साइड में है व्हाइट लगेंगे। पिन सही तरह है, आपको पिन जो फिट होगा इसी में लगेंगे, और पिन आपको सही एंगल में लगना है, दोनों यहाँ पर वहाँ पर अगल नहीं लगे, एंगल लगेंगे तो आपको पिन में अंदर जो पिन है पिन टूट सकता है, इसलिए सही तरह पिन में लगेंगे। देख सकते हैं ये बड़ा वाला इधर बड़ा वाला लगेगा, इसी तरह आप लग सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसे फोटो खींच कर साइड कर रख देंगे, उसके बाद जो टेफ्लॉन का एरिया है जो आपका मेन पार्ट है इसे निकालें। इसे निकालने के लिए यहाँ पर एक सेंसर है, इधर भी एक लग तरह है, इसे लग खींचा कर आप खोलना है। ये वायर को पहले खोलना है, उसके बाद ये लॉक है अंदर, हाथ में इसे खोल लेंगे, सही तरह आप खोलेंगे ये भी टूट सकता है इसलिए सावधान से खोलेंगे। उसके बाद इधर एक स्क्रू है, दोनों साइड में स्क्रू है, इसे स्क्रू को खोला कर आप ये लॉक जो आपका प्रिंटर का जो मेन पार्ट है जहाँ पर प्रिंटिंग होता है उसे हम निकालेंगे। अभी मैं खोल रहा हूँ, आपका इसी तरफ स्क्रू ड्राइवर लंबा सा स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं, ये छोटा हुआ इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, आप लंबा ले सकते हैं हेल्प फोर से। और टेफ्लॉन खरीदने के लिए आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं इसी तरह, और आप जो भी प्रिंटिंग आपका जो पेपर जहाँ से लाता है वहाँ पर सब खरीद सकते हैं, जहाँ पर इंक लाता है उधर भी खरीद सकते हैं। आप बताएंगे तो हम हमारा जो लिंक दे रहा हो आप इधर भी खरीद सकते हैं। अभी ये तार लगा है, इसे भी आप सही तरह खोलेंगे, ज़्यादा खींचेगा नहीं, सावधान से उसे खोलेंगे, टूट जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा सारे, क्योंकि आपको कुछ लॉस नहीं करना है, सारे प्रिंटर खुद कर रहे हैं इसलिए आपको ध्यान देना है। ये वायर देखिए किस तरह लग गया है, ये वायर भी किधर गया है, ये सारे वायर को आपको देखेंगे। ये देखिए अभी ये जो रोलर है थोड़ा टूट गया है, जो छोटा छोटा वाला रोलर है टूट गया है, इससे कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है, फिर भी आप देखिए ये भी कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं, मगर ये इस दिक्कत नहीं, यहाँ पर पेपर रुक जाता है। देख सकते मैंने पहले जो दिखाया फास्ट में ये वीडियो में, तो इधर पेपर रुक जाता है, इधर रुकने के लिए अंदर सा एक होगा। मैं एक और प्रिंटर में और एक चीज़ है जिसे हम देखना चाहता हूँ, जो इसका नाम है आपका जो रोलर है, इधर एक स्पॉन्ज वाला रोलर है, स्पॉन्ज रोलर देख सकते हैं, इस स्पॉन्ज रोलर इससे आप निकल कर थोड़ा साफ कर सकते हैं, ज़्यादा हाथ नहीं लगेंगे इसमें, ये एक सॉफ्ट सा मेटल जो स्पॉन्ज तरह तैयार है, इसलिए इसे निकालने के लिए ये प्रिंटर अंदर में आप नहीं खोल करके भी इसे को निकाल सकते हैं, उसे ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, मगर हमारा प्रिंटर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो इसलिए हम खोल के इसे सही तरह देखता हूँ। ये दोनों साइड में एक लॉक है, इसे आप दबा कर खोल सकते हैं, इसे आप खोलने की ज़रूरत नहीं, जो भी ज़रूरत होगा तब खोलेंगे, नहीं जरूरत है, आपको देख रहे हो जैसे, हाँ जिसलिए हम वीडियो बना रहे तो इसलिए हम इसे भी देख देता हूँ।
ये जो लॉक है व्हाइट वाला, इसे आप दबा कर खोल देंगे। इस तरह दबाएंगे तो आपका जो स्पॉन्ज रोलर निकल आएगा। देखिए अभी जूम करके हम दिखा रहे हैं साइड में, ये जो व्हाइट वाला इसे दबाएंगे। ये भी प्लास्टिक है, हमेशा इस प्लास्टिक को ध्यान देना। थोड़ा सा गड़बड़ी होगा तो प्लास्टिक टूट जाएगा। ये हो गया। ये देखिए हमारा थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम है, इधर एक दाग लगा है, मतलब यहाँ से हमारा प्रिंटिंग सही नहीं आ रहा, थोड़ा कम आ रहा है। और ठीक है, इसे हम रख देंगे। ये निकाल कर फिर से वापस इस तरह लग देंगे साफ करके। इसे हाथ नहीं लगाना ज़्यादा, हमेशा इसे में सब सॉफ्ट चीज़ में से साफ करना है। ये जो टेफ्लन है हम इसे खोलेंगे। हमारा टेफ्लन अभी आ गया। इधर देखिए दोनों स्क्रू है, आप देख सकते हैं ये ब्लैक साइड में पीछे नीचे में एक दोनों साइड में स्क्रू है। ये ब्लैक वाला स्क्रू को अलग रखेंगे खोल कर। इधर एक काउंसिल लिखा है, देख सकते मैंने, यानी ये रेस्ट्रिक्शन है, इधर हीट होगा, ज़्यादा हीट होगा, इसलिए इधर हाथ नहीं लगाना। इसे हम खोलेंगे, उसे अलग रखेंगे। याद रखना ये सारे स्क्रू को अलग रखना है। इसे खोलना है इसी तरह। अब ये वायर लगा है, इसे भी हम खोल देते, थोड़ा लग गया है। वायर को पहले ही से खोल देना है, मैं खोला नहीं था इसलिए खोल देता हूँ। जिस तरह खोलेंगे उसी तरह लगेंगे, घुमा घुमा कर ये वायर गया है, इसी तरह आप लगेंगे। देखिए किस तरह गया है, क्योंकि चिपक कर लगना है वायर को। हो गया। अभी हमको खोलना है नीचे वाला, थोड़ा दबा कर खोलना है साइड में, देख सकते हैं ये खोलना है। अभी खोल रहा हूँ, ये खोल गया। ये एक साइड में रखेंगे और अंदर देखिए हमारा जो प्रिंटिंग हुआ है, ये प्रिंटिंग देखिए कैसा छिप कर लगा है। इधर एक देखिए, ये जो प्रिंटिंग प्रॉब्लम देखिए, इधर हमारा जो प्रिंटिंग नहीं आ रहा है, इधर जम जाता है और पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए एक साइड में व्हाइट है, मतलब हीट डायरेक्ट पेपर में लग रहा है, टेफ्लन में कुछ नहीं, टेफ्लन थोड़ा साइड में जल गया है। देख सकते ये प्रिंटिंग, ये लगा है प्रिंटिंग, अभी भी लगा है प्रिंटिंग। जब भी मैं प्रिंटिंग किया था, जो आधार कार्ड का प्रिंटिंग किया था, उधर लगा है, नंबर चिपक कर लगा है। देख सकते इधर बर्निंग हो गया, मैंने यानी जल गया और कट गया है, टेफ्लन कट गया है, टेफ्लन का लेंथ कम हो गया। जिस साइड में कम हुआ इधर ही पेपर लग जाता है, ये साइड में कट गया और जो लेफ्ट साइड में पेपर का लग रहा है, ये देखिए कितना नहीं है। यहाँ पर पेपर लगेंगे तो आपका पेपर तो जल जाएंगे डायरेक्ट ही पेपर में, यानी आपका कंटेक्ट हो जाएगा जो हीटर में, इसलिए ये टेफ्लन ख़राब हो गया। ये टेफ्लन मैं मार्केट से खरीदता था, इसे ख़राब हो गया। इसे खोलने के लिए हमको इधर एक स्प्रिंग होगा, इसी स्प्रिंग को आपको स्क्रू ड्राइवर में थोड़ा सा दबाकर नीचे खोल देना है। देख सकते हैं इसी तरह खोलना है, मैं जिस तरह कर रहा हूँ इसी तरह खोलना है। लगाने के समय भी इसी तरह लगाना है। देख सकते कहाँ से खोल रहा हूँ, यहाँ से ही लगाना है। दोनों साइड में स्क्रू होगा, ये लेफ्ट राइट तरह है, लेफ्ट राइट रखना है। जहाँ जिस साइड में खोलेंगे इस तरह इस साइड में लगेंगे। देख सकते हम इधर रख देते और दूसरा साइड में उसे हम खोल कर उधर रख देंगे, राइट साइड में रख देंगे। आप भी इसी तरह करेंगे, क्योंकि फिर से लगने की दिक्कत होगी, इसलिए आप लेफ्ट राइट रखेंगे। यार वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देख सकते हैं अभी इसी लॉक को हम सही तरह खोलेंगे। ये भी लॉक खोल गया, स्प्रिंग वाला है, इसे खोल कर हम रख देंगे। जिस तरह आप खोलेंगे इसी तरह आप लगेंगे। हो गया, इधर भी खोल देंगे हम, इधर भी सर लगते हैं। अभी हम टेफ्लन को निकालेंगे, टेफ्लन यानी हीटर को निकालेंगे। जहाँ पर हमारा मेन करंट जाता है, मेन वोल्टेज इधर यूज होता है, बहुत हीट इसे ये होता है, इसे हाथ नहीं लगाना। जब भी करंट देखो इसे हाथ नहीं लगाना, पहले तो आप अनप्लग करके ही जो भी काम करना है प्रिंटर में अनप्लग करना, यानी प्लग को खोल देना है। देख सकते ये टेफ्लन कितना ख़राब हो गया, इतने साइड में ख़राब हो गया। इधर एक प्रेशर रोलर है, इस प्रेशर रोलर भी खो गया।
प्रेशर रोलर भी सही है इधर आपका, ये टेपरन इस साइड में आप खोलेंगे, जो ब्लैक साइड है मैं जहाँ पर हाथ लगाऊँ फर्स्ट साइड में, ब्लैक साइड में आप खोलेंगे इस तरह। इसे आप लक सही तरह 20 ज़्यादा नहीं दबाएंगे, हमेशा इसे सावधान से खोलेंगे। देख सकते मैं हाथ में पकड़ कर थोड़ा खोल रहा हूँ, खोल गया। इसे आप ये थोड़ा साफ कर देंगे क्योंकि ये टेफ्लॉन जलकर इधर लग गए हैं। ये ख़राब हो जाएगा आपको 3000-3500 लग जाएगा, इसलिए इसे सावधान से काम करेंगे। अभी हमारा टेफ्लॉन देख सकते कितना छोटा है गया, एक साइड में तो छोटा सा छोटा है गया। अंदर देखिए इसी तरह है अंदर, ये जो पेपर जाता है पेपर में इसे जो इंक आता है इंक को दबाता है पेपर में, इसे भी थोड़ा साफ कर देंगे। इधर लगा है कुछ तो इसे थोड़ा थोड़ा साफ कर देंगे। इसे वायर को नहीं टूटना चाहिए, जो वायर लगा है उससे भी सावधान से काम करेंगे। इधर कुछ लगा है जहाँ पर पेपर हमारा लगता है, पेपर बर्निंग हुआ जो इंक है इधर लग गया है, देखते हैं इसे साफ कर देंगे क्योंकि दोबारा हम लगेंगे तो वहाँ पर इसी इंक को फिर से जो इसे वो लिक्विड में हो गए और दबा देंगे, हमारा टेफ्लॉन ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसे भी साफ कर देंगे। ये जो प्रेशर रोल है जो ग्रे कलर का है और इसे हम सही है देख सकते हैं, ये सही है, इसे कुछ टूटा नहीं। इसे हम निकाल कर साफ कर देंगे, फिर से वापस लगा देंगे। जो ख़राब है इसे हम दोबारा लेंगे। इसे भी ये सारे मार्केट में मिल जाएंगे, आप खरीद सकते हैं, ये भी 150-200 रुपये में मिल जाएंगे। इसे भी थोड़ा साफ कर देंगे, साफ हो गया। उसके बाद जो प्रेशर रोलर वापस वही वहाँ पर लगा देंगे। अभी हम इसे लग देते हैं, मैं टेफ्लॉन को फिट करूँगा उसके बाद ही डायरेक्ट आपको सारे, वीडियो बहुत लंबा हो गया इसलिए हम डायरेक्ट आपको कंप्लीट करूँगा। इस तरह आप टेफ्लॉन देख सकते हैं, इस तरह आप ख़राब टेफ्लॉन इधर है, मैं नया टेफ्लॉन अभी लाऊँगा। ये 4-5 चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपका प्रिंटर का मेन पार्ट है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। अभी फ्यूज फिल्म जो आया है, जो टेफ्लॉन हमारा ख़राब हो गया है, इसे हम वापस एक नया टेफ्लॉन लगाएंगे। फ्यूजर फिल्म लिखा है, ये कंपनी है, इधर हम इसे वापस लगाएंगे। लगा के देखे जाता हो कैसे आप लगाएंगे। अंदर है देख सकते हैं, ये देखिए सेम साइज में हुआ, आपका जो पुराना था उसे कितना बड़ा है। अभी हम इसे लगाएंगे, ये वायर के अंदर हम डालेंगे। देख सकते हैं अभी सही तरह से डालने। उसके बाद जो लक है अभी देख सकते हैं, लॉक को अभी लगाना हो गया, इसे भी थोड़ा घुमा कर लगा देंगे। जिस लॉक को हम ब्लैक लॉक को खोला था इसे हम लगा देंगे। उसके बाद इसे जिस तरह खोला था इसी तरह हम लगेंगे, सही एंगल में लगना है क्योंकि अलग एंगल में ये नहीं लगेगा, इसलिए एंगल अंदर ही इधर ही पेपर जाता है। देख सकते हैं ये दोनों साइड दबा कर पेपर को प्रिंट करता है, ये खराब हो जाएगा तो आपका प्रिंटिंग नहीं आएगा। अभी हम जो स्प्रिंग वाला लॉक है, इसे लेफ्ट राइट जो स्प्रिंग था लॉक था, इसे हम लगाएंगे। इसे लगाने के लिए आपको जिस तरह आप खोले थे इसी तरह लगाएंगे। अभी देखिए हम ये लग रहे हैं, इधर ही देखिए इधर लग दूंगा, उसके बाद ही नीचे से स्प्रिंग खिंचा कर लग कर दूंगा। सही तरह आप देख रहे हैं, मैं बार बार देख रहा हूँ, इसी तरह आप लगा देंगे। इधर देखिए ये स्प्रिंग को आप खिंचा कर जहाँ इसे खोला था और जहाँ से इसे खोला था इधर आप लग देंगे, इसी चीज़ में आप दबा कर ये साइड में उसे दबा कर लग देंगे। हो गया, सारे टेफ्लॉन को वापस इसी तरह लग देंगे। मैं सारे कंप्लीट फिर से वापस लगा दिया और लगा कर फिर से थोड़ा प्लास्टिक साइड में खोला रखा है क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होगा था, इसलिए हम टेस्ट कर रहा हूँ मेरा प्रिंटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बाद ही फिर से हम सारे कंप्लीट करेंगे। मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ,
मैं जिस तरह खोला था इस तरह सारे लग दिए हैं। आपको इसे स्किप कर दिया हम सारे वीडियो वापस लगाने के लिए। आप जिस तरह खोला है इसी तरह आप लगाएंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से आप वीडियो को देखिए और उसे फिर से लगाइए। मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ प्रिंटिंग के लिए, जो स्टार्ट कॉपी करूँगा कॉपी हो रहा है नहीं रहा, मेरा प्रिंटिंग चल रहा है नहीं चल रहा। मेरा जो स्कैनर वायर है उसे थोड़ा टूट गया था, मैं थोड़ा एडजस्ट करके उसे लगा दिया, पहले बार नहीं हुआ, उसके बाद एडजस्ट होकर लगा गया। आप ध्यान देंगे इससे थोड़ा भी गड़बड़ होगा तो आप टूट जाएगा और नहीं लगेगा। मेरा तो हो गया, आपका सही तरह होना चाहिए। अभी मैं प्रिंटिंग मार लगा है, प्रिंटिंग हो रहा है, देख सकता हूँ किस तरह प्रिंटिंग आ रहा है। अभी तो प्रिंटिंग स्टार्टिंग हो रहा है, यानी मेरा सारे जो वायर था जिस तरह मैं वायर को खोला था इसी तरह सही तरह लग गया। कुछ भी दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा प्रिंटिंग स्टार्टिंग हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। जो भी प्रॉब्लम होता मेरा प्रिंटिंग चल नहीं था, मेरा प्रिंटर कुछ भी वर्किंग नहीं कर रहा था। मैं पेपर रख रहा हूँ, पेपर अगर फिर से एक प्रिंटिंग करूँगा, सारे कंप्लीट कर दिया, अभी सारे साइड में लगा दिया, पूरा फुल जिस तरह था उसी तरह में लगा दिया। इस बार हम देखेंगे अंदर जो जाम हो रहा था, जो प्रिंटिंग नहीं आ रहा था, ऐसे कैसा आ रहा है देख सकते हैं। इसे अच्छा तरह आ रहा है, प्रिंटिंग का भी सही तरह देख सकते हैं, प्रिंटिंग भी अच्छा है। और एक प्रिंटिंग में ट्राई करके देखता हूँ, देख सकते हैं किस तरह आ रहा है। देखिए इधर हम जाम हो जा रहा था, अभी जाम नहीं हो रहा है, अभी सही तरह आ रहा है, यानी मेरा प्रिंटिंग ठीक हो गया, प्रिंटिंग मेरा सही हो गया, देख सकते हैं। ये है प्रिंटिंग, अच्छा प्रिंटिंग आ रहा है सही तरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग।